श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कि गणेश विसर्जन में कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश कि शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे। रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहन कर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे, गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा? दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्त वृत्ति में धारण कर, थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लगे तो, पर भगवत भजन करने, तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन तुम उसने आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया, ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें इतना बड़ा गणेश बिठा, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर उसको विराजमान करो, गणेश पुराण शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के लिए अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते, किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पे पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा, पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते।